पेशावर में कौमी असम्बली के हलका एन 28 पोलिंग का अमल शुरू है। JUI के नूर आलम खान और PTI के आजाद उम्मीदवार साजिद नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे जाकिर इस वक्त हलके में मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा जाकिर, वहां पर आप कैसा माहौल देख रहे हैं, इस वक्त क्या सरगर्मियां जारी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी हलके NA 28 और सूबाई हलके PK 74 में मौजूद हूं। यहां पे पोलिंग स्टेशन नंबर 1 में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। यहां पे बड़े तादाद में वोटर्स जो है वो यहां पे पहुंच चुके हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मजमू वोटर्स की बात की जाए तो इस पोलिंग स्टेशन पर मजमू वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 3500 है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 से ज़ायद वोटर्स जो है वो उन लोगों ने यहाँ पे वोट कास्ट किया है और बड़े तादाद में अब भी यहाँ पे वोटर्स मौजूद है। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो ये पोलिंग स्टेशन के अंदर जो माहौल है, यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे वोटर्स भी मौजूद है और प्रेजाइडिंग अमला जो है वो तमाम तर इंतजाम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और पोलिंग का अमल यहाँ पर जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पर किए गए हैं और यहाँ पर वोटर्स जो है वो आ रहे हैं और बिला ततल जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और वोटर्स अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी।